हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में मतलब हम रात में निकले हैं और नज़ारा देखने के लिए मतलब क्या क्या चीज़ देखने को मिलने वाला है अयोध्या में। मतलब बहुत चीज़ चेंजिंग हुई है तो सबको पता है। और मेरे साथ अभी पीयूष भाई है जो कि मिलकर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, और भी इधर मतलब प्रिंस भाई भी है, हम सब मिलकर एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी जैसा कि मतलब सामने देखने को मिल रहा है ना, धनुष का जो सिंबल देखने को मिल रहा है, मतलब हर एक आप स्ट्रीट लाइट पे देखेंगे ना, जितने स्ट्रीट लाइट है ना सब पे ऊपर मतलब सुबह का टाइम हो तो दिखेगा ये धनुष का ही सिंबल दिया हुआ। मतलब उसका सबसे बड़ा जीता जागता हुआ उदाहरण वहाँ है कि सारे मतलब स्ट्रीट लाइट पे धनुष का सिंबल। मतलब और सब जगह देखिए मतलब सिंपल स्ट्रीट लाइट रहता है, मगर यहाँ पे सारे पे धनुष मतलब धनुष का सिंबल दिख रहा है। यानी समझिए आप अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं। मतलब धनुष यानी कि अयोध्या का पूरा ये प्रतीक है, अपना सिंबल हर एक स्ट्रीट लाइट पे देखने को मिल रहा है। और हर एक जगह पूरी इतनी अच्छी डेकोरेशन लग रहा है कि अभी दिवाली चल रही है, ऐसे डेकोरेशन पूरा देखने को मिल रहा है। मतलब अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट में अगर देखें तो पूरी दिवाली वाली एनवायरनमेंट वाली फील आ रही है। मतलब लग रहा है पूरी दिवाली ही दिवाली है। मतलब पूरी अयोध्या ऐसा सजी हुई है ना अयोध्या नगरी की, मतलब क्या कहूँ। मतलब जो लोग अगर नहीं दो तीन साल पहले आए होंगे ना, अभी यार बोले कहाँ आ गया, मतलब लग रहा है स्वर्ग में मतलब एंट्री कर गया, ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है पूरे तरफ। वैसे भी हम रोड से निकल रहे थे तो मुझे एक पीछे महल दिखा जो कि राम महल हुआ करता था, और अभी उसी चीज़ों को मतलब निखारी गई है। आप देखेंगे ना कि कितनी अच्छी से निकासियाँ जो पहले की हुई है, सारी निकासियाँ अगर ध्यान दें तो मतलब बहुत ही बारी की निकासियाँ जो है ना, इस सब चीज़ों को उखेड़ी गई है। और अभी फिर से मतलब देखा जाए तो मतलब फिर से वो 500 साल की मतलब यादें ताज़ी की जा रही है। मतलब पूरे एक चीज़ों को ऐसे डेकोरेट किया हुआ, मतलब लग रहा रियली महल है। और यहाँ आने के बाद मैं एक अलग सुकून सा मिलता है। मतलब पूरा अभी तो एक्चुअली ये एरिया न्यूज़ वाले ने एक्वायर कर रखा है, तो बाहर का महल का पूरा जो सीन देखने को मिल रहा है ना, बहुत ही मतलब बेस्ट और मतलब भव्य तरीके का दिख रहा है। मतलब ऐसा तो अभी इम्पॉसिबल है कि अभी कोई महल बने। क्या कहते हैं आप ऐसे महल के बारे में, आप क्या कहते हैं? बहुत अति सुंदर है महल। मतलब लगता है कि अभी ये अगर चाहे तो बन सकता है इतना जल्दी? बनेगा बहुत बढ़िया। अभी बन सकता है क्या इस समय में ये महल? अभी नहीं बन सकता, पॉसिबल है नहीं। ये सब चीज पुरानी यादें को ताज़ा करना बहुत जरूरी। मतलब वही चीज़ में देखेंगे तो पुरानी यादें मतलब निखेड़ी गई, और लाइटिंग जो है ना मतलब एक अल्टीमेट लेवल की हुई है, जिसके कारण मतलब इसकी सुंदरता और बाहर निकलती हुई आ रही है। मतलब बहुत शानदार टाइप का ये महल दिखने को, राम महल दिखने को मिल रहा है अपने लोग को। अयोध्या में आने के बाद मतलब एक और चीज़ आपको फील क्या आएगी कि सारे दुकान का स्ट्रक्चर पूरे एक तरीके का देखने को मिलेगा, और सारे दुकान में मतलब एक ही तरह के छोटे छोटे बोर्ड दिखेंगे, चाहे जिस चीज़ की भी दुकान हो, फूड हो, जिस चीज़ की दुकान हो, डजन मैटर, मत छोटे छोटे बोर्ड ही देखने को मिलेगा। मतलब ये बड़ी बड़ी होर्डिंग जो होती थी बोर्ड, मतलब अपने मर्जी से, ये कहीं किसी की मर्जी से मुझे कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। लाइटिंग वाली एक होर्डिंग सब जगह, और सबकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन एक ही तरीके की, थोड़ी सी भी कोई चेंजिंग नहीं। मतलब कि आप कहीं भी रहो ना, आपको पता ही चलेगा किस जगह पे हो। जब तक आप उस जगह के निजी लोगों से नहीं पूछोगे आप किस जगह पहुँचो, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब किस जगह पे हो। मतलब हर जगह कॉमन से दिखेगी, और जो शटर बंद दिखेगा वहाँ पे मतलब फ्लैग, जो भी चीज़, शंख, जो भी चीज़ मतलब देखने को मिलता है, पूजा सामग्री, वही सब चीज़ देखने को, मतलब सारे मतलब शटर पे पेंटिंग वैसे ही क्यों मिलेगी देखने को आपको। सारे दुकान मतलब अभी मल्टी कितने सारे दुकान मैंने दिखाया, सारे किसी की दुकान की मतलब होर्डिंग ऐसा नहीं दिखेगा कि होर्डिंग चेंज देखने को मिलेगी, सेम होर्डिंग सब में। आप कहीं ये डिफरेंट नहीं देखने को कि हाँ ये दुकान ये, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। सारी होर्डिंग सेम, सारे के स्ट्रक्चर सेम, सारे अगर बंद हो रहे हैं तो सबके सेम। अब खुद पता करना होता होगा कि उनकी दुकान कौन सी है, मतलब नंबरिंग कर रखी होगी उन्होंने, नहीं तो सब में तो वो शंख बना हुआ है, किसी में रिद्धि सिद्धि बना हुआ है, किसी में राम लिखा हुआ है, किसी में सब ऐसे ही है, मतलब मल्टीपल। तो आप सब कन्फ्यूज होते, मुझे लगता है नंबरिंग होगी तभी वो अपने शॉप को पहचान पाते हुए, नहीं तो अगर देखा जाए तो सब एक ही तरीके की सारी दुकान देखने को मिलेगी ये अयोध्या के अंदर।